Please like and subscribe the channel. Press bell icon to get the latest information. हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम नोट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द इथरनेट। हम पढ़ने वाले कि इथरनेट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, कौन कौन से लेयर पे काम कर रहा है, उसके एडवांटेज क्या हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेवेंट कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। कम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछा जा सकता व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑफ इथरनेट, डिफरेंस बिटवीन फास्ट एंड गीगाबाइट इथरनेट्स, या फिर कौन से लेयर पे काम कर रहा है, फ्रेम फॉर्मेट्स में कितने फील्ड होते हैं, कौन सी फील्ड का क्या नाम है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक व्हाट इज इथरनेट। व्हाट इज इथरनेट? इथरनेट को पढ़ने से पहले पता होना चाहिए, यहाँ मैंने मेंशन किया वायर्ड लैन। वायर्ड से हम समझ आ गया कि केबल्स का यूज कर, वायरिंग का यूज कर रहे हैं। लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसके तीनों टर्म्स को पढ़ते हैं। वायर्ड, देखो वायर्ड की बात यहाँ चल गई, जहाँ हमने केबल्स की बात कर ली हमारे पास आगे भी फिजिकल लेयर। किसका काम होता है ये? फिजिकल लेयर का काम होता है ना। यहाँ हमारे पास आगे फिजिकल लेयर, तो पहली बात तो हम यहाँ यूज़ करेंगे फिजिकल लेयर का। फिजिकल लेयर वो क्या करेगी? यहाँ पे फिजिकल लेयर वायर्ड बताएगी कौन सी ट्विस्ट पेयर है, कोएक्सियल है, फाइबर ऑप्टिक्स है, कौन सी वायर का यूज़ करें। सेकंड, टोपोलॉजी, हम यहाँ यूज़ करेंगे बस टोपोलॉजी। इनकोडिंग, हम यहाँ यूज़ करेंगे मैनचेस्टर इनकोडिंग का। ये कॉमन पॉइंट्स हैं, इनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा इथरनेट्स के, चाहे वो फास्ट इथरनेट की बात करें, चाहे गीगाबाइट की बात करें, चाहे हम 10 गीगाबाइट की बात करें, इस कंसेप्ट को हमें यूज़ करना है। फिर बात आगे, इथरनेट काम किस पे कर रहा है? इथरनेट काम कर रहा है फ्रेम फॉर्मेट। फ्रेम आपका होता है डाटा लिंक पे, यानी कौन कौन से लेयर पे काम हुई हमारा, फिजिकल लेयर भी होगी और डाटा लिंक लेयर भी होगी। ये तो था बेसिक। अब पढ़ते हैं इथरनेट को। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? वैन, यानी कि नेटवर्क। जो आपका इथरनेट है वो टेक्नोलॉजी है आपकी लैन की, और लैन की और भी टेक्नोलॉजीज हैं, उनमें से टोकन रिंग, बस, FDI और ATM लैन, ये आपके लैन की टेक्नोलॉजीज हैं। 1985 में कंप्यूटर सोसाइटी ने, यानी कि IEEE ने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसका नाम दिया गया 802। जब 802.3 की बात होगी तो हम बात करते हैं इथरनेट की। ये स्टैंडर्ड ने क्या किया था कि आपके इंटर कम्युनिकेशंस के लिए रूल बनाए थे, कुछ मैन्युफैक्चर्ड किया था ताकि कम्युनिकेशन हो सके, इंटर कनेक्शन कम्युनिकेशन पॉसिबल हो। अब बात आते स्टैंडर्ड इथरनेट। पहले पढ़ते हैं इथरनेट के टाइप। इथरनेट के आपके टाइप आते हैं, यानी इवोल्यूशंस, इथरनेट के क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट नाम्स हैं, कैसे कैसे हम उनका यूज कर रहे हैं, उनमें आपका आता है पहले स्टैंडर्ड, फिर फास्ट, फिर गीगाबाइट और फिर 10 गीगाबाइट। यहाँ इनका मेन डिफरेंस यहाँ पे इनकी स्पीड से है, इनकी डेटा रेट से है। स्टैंडर्ड की आपके डेटा रेट्स 10 Mbps। दो का ओरिजिनल इथरनेट बना था वो 1976 में एक्सोर पोलो ऑल्टो रिसर्च में बना था। यहाँ इसी ने क्या किया, 4 जनरेशन बना दी। ये क्या है? जनरेशन ऑफ इथरनेट अकॉर्डिंग अपडेशन। जनरेशन क्या होती है? अपडेशन ही होती है, कुछ चीज़ में चेंज करना। अब यहाँ चेंज ही कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं हम? स्पीड में चेंज कर रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल में चेंज कर रहे हैं, हम कुछ अपडेट कर रहे हैं। तो क्या है ये? जनरेशन ऑफ इथरनेट। अब फिजिकल लेयर का काम हो गया कि उसने इनकोडिंग कर दी, केबल्स वगैरह प्रोवाइड कर दी। मैक लेयर, मैक सब लेयर, देखो यहाँ सब लेयर मेंशन है। क्या होता है कि डाटा लिंक लेयर की दो होती हैं पार्ट, LLC और मैक लेयर। मैंने डाटा लिंक लेयर का प्रॉपर LLC और मैक लेयर पे वीडियो बनाया, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने मेंशन कर दिया है, प्लीज़ वो देख लेना ताकि अच्छे से समझ आ जाए कि LLC और मैक लेयर बनी क्यों, यानी कि डाटा लिंक लेयर का डिवीजन किया क्यों गया, हमें क्या नीड थी। हर काम अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग फंक्शनैलिटी होता है, ऐसे नहीं कुछ होता। ये बात मैं आपको हर वीडियो मेंशन कर रही हूँ कि हर वर्ड्स का अपना मीनिंग होता है। तो डाटा लिंक लेयर को दो डिवीजन किया गया, LLC और मैक। यहाँ थोड़ा सा मैं
रिवाइज करा रही हूँ, हल्का सा रिवीजन दे रही हूँ कि LLC आपके काम करती है फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, कनेक्शन से बात करें। मैक्लेयर आपकी करती है मल्टीकास्ट, जहाँ हम शेयरिंग की बात करें। और यहाँ बात हो रही है लैन में शेयरिंग की, तो हम यूज करें मैक्लेयर को। क्या किया था स्टैंडर्ड थे ना, मैक्लेयर का ऑपरेशन में किया एक्सेस मेथड। यहाँ एक्सेस मेथड की बात हुई है तो मैंने एक्सेस मेथड पे पूरा वीडियो बनाया है कि एक्सेस मेथड कौन कौन से होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो प्लीज़ चेक कर देना। यहाँ जो एक्सेस मेथड यूज़ हो रहा है वो हो रहा है CSM में CD कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलेजन डिटेक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं CSM में CD का, कैसे काम करता है। ए ने डाटा सेंड किया बी को, ए ने सेंस किया कि हाँ आपका जो ट्रांसमिशन लिंक है वो फ्री है, तो ए ने डाटा सेंड करना स्टार्ट किया। बी ने भी सेंस किया कि आपका ट्रांसमिशन लिंक फ्री है, बी ने भी सेंड कर दिया। ये क्या हो गया, कोलेजन अक्कर हो गया। अब ए और बी को कैसे पता लगे, कैसे डिटेक्ट करेंगे, वो पूरी फंक्शनलिटी मैंने उस वीडियो में मेंशन की हुई है। यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, वो होता है कि जो ट्रांसमिशन टाइम होता है वो आपका ज़्यादा होना चाहिए 2 TP, 2 TP यहाँ आता है आपका प्रोपेगेशन डिले। अब पढ़ते हैं इथरनेट, इथरनेट फ्रेम फॉर्मेट। फ्रेम फॉर्मेट यानी कि फ्रेम यूज कर रहे हैं, जो डाटा यूनिट यूज कर रहे हैं हम करें फ्रेम की। फ्रेम आपका पार्ट होता है डाटा लिंक लेयर का। इथरनेट के फील्ड में 7 फील्ड हैं फ्रेम फॉर्मेट में, कौन कौन से, प्रीएम्बल, SFD, सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, लेंथ और प्रोटोकॉल टाइप भी बोल देते हैं, अपर लेयर और CRC। CRC आपका चेकसम रिडेंसी कंट्रोल या चेक, दोनों वर्ड यूज होते हैं यहाँ पे। इस पे भी, ये आपका एरर डिटेक्शन मेथड है, इस पे भी पूरी वीडियो बनी हुई है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, प्लीज़ चेक कर लेना कि CRC काम कैसे करता है। प्रीएम्बल, प्रीएम्बल 802.1 का फ्रेम में 7 byte करता है। 7 byte का मतलब होता है 56 bits, 7 × 8, क्योंकि 1 byte में 8 bit होती हैं। ये आपका कम्बिनेशन होता है 0-1 का अल्टरनेटिव। फिर आपका आता है स्टार्ट फ्रेम डेलिमीटर, ये आपका 1 byte का होता है, सेकंड फील्ड होता है और जिसके लास्ट बिट होते हैं ये 1-1, ये हमें बताते हैं नेक्स्ट एड्रेस के बारे में कि नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा। डेस्टिनेशन एड्रेस यानी जो फ्रेम का डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, जहाँ उसको रिसीव करना है, वो क्या होएगा, वो 6 byte का होगा। सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स का एड्रेस वो भी आपका 6 byte का होएगा। यहाँ पे लेंथ हम बताएंगे कि कितनी लेंथ होगी, वो आपका IEEE मैक एड्रेस पे होता है, मैक एड्रेस आपका 48 बिट का होता है। डाटा कितना कंटेन करना होता है, ये मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट होती है, मिनिमम आपका 46 byte होता है, मिनिमम आपका 1500 byte होता है। CRC आपका यूज होता है आप एरर डिटेक्शन के लिए, देखो एरर डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं CRC, CRC को करेक्शन के लिए नहीं करते। जनरेशन को पढ़ लेते हैं, फास्ट इथरनेट, क्या वर्ड यूज़ किया गया है, फास्ट। पहले आपकी 10 Mbps थी, अब इसको इंक्रीज कर दिया गया 100 Mbps, क्या कर दिया, इथरनेट को फास्ट किया। यहाँ पे जो काम करता है वो करता है फाइबर चैनल्स का, फाइबर्स का काम हो रहा है, FDDI का काम करें हम यहाँ पे। बाकी चीज़ सारी सेम है, आपका मैक एड्रेस कितने का होता है 48 bit का, सेम है। फ्रेम फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, जो लेंथ मिनिमम मैक्सिमम होनी चाहिए वो भी सेम है, यानी मिनिमम लेंथ कितनी होती है आपकी 64 to 1518, ये आपकी लेंथ होती है, प्रोटोकॉल फ्रेम लेंथ होती है यहाँ पे। गीगाबाइट, फास्ट को हमने और फास्ट किया है, 100 Mbps का 100 Mbps था हमारा फास्ट, उसको हमने कर दिया 1000 Mbps यानी कि 1 GB। अब गीगाबाइट को हमने क्या किया और फास्ट किया, क्या किया हमने, 10 GB बना दिया। जैसे ही 10 GB बना, उसमें एक चेंज और आ गया भाई, वो चेंज आ गया कि वो अब वो CSM में CD का यूज नहीं करता, अब यूज़ करता है फुल डुप्लेक्स का। अब क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है कि सेंडर और रिसीवर दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं डाटा को। यहाँ हम काम करते हैं फ्रेम रिले और ATM का।
ये आपका स्पीड के साथ साथ इसने ये कंसेप्ट भी चेंज कर दिया। यहाँ पे हम इंटरकनेक्शन एग्जिस्टिंग पॉइंट्स का यूज़ करते हैं बिटवीन मैन टू मैन या फिर मैन टू वैन। क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं कैपेसिटी को भी और साइज़ को भी। कुछ की पॉइंट्स को दोबारा रिविजन कर लेते हैं कि कहना क्या चाह रहे थे हम अब तक। ईथरनेट का हमने पढ़ा कि दो लेयर्स का हमने यहाँ पढ़ा, कौन कौन सी फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर को हमने पढ़ा। काम किस पे कर रहा है, लोकल एरिया पे कर रहा है। लेंथ का साइज 64 बिट टू 1518 बिट होना चाहिए। फुल डुप्लेक्स मेथड कौन सा होता है भाई, सेंड और रिसीव दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हो रिसीव भी कर सकते हैं। फुल डुप्लेक्स मेथड आपका यूज़ करता है 10 GB, वो वहाँ पे क्या यूज़ नहीं करता, CSMACD का यूज़ नहीं करता। फास्ट इथरनेट की स्पीड 100 Mbps, गीगाबाइट की 1000 Mbps, 10 GB की 10 GB स्पीड। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि हम उसको रिजॉल्व कर लें। अब हम एक हल्का सा रिवीजन लेते हैं अबाउट इथरनेट के, इथरनेट के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या कुछ किया है। सबसे पहले हमने पढ़ा इथरनेट का स्टैंडर्ड कौन सा है, 802.23। इसके जनरेशन कौन सी है, स्टैंडर्ड है, फास्ट है, गीगाबाइट और 10 GB है इसकी स्टैंडर्ड है। फ्रेम फॉर्मेट में 7 फील्ड आते हैं, कौन कौन सा आता है भाई, प्रीमेबल आता है ना, SFD और कौन सा था हमारा, SFD हमारा 1 byte का था। डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, CRC, लेंथ और डाटा, ये हमारे 7 फील्ड हैं। 7 फील्ड हमें याद हो गए। फ्रेम की बात करें तो डाटा लिंक लेयर आ गई, डाटा लिंक लेयर आ गई तो मैक एड्रेस आ गया और मैक एड्रेस आपका होता है 48 bit का, ये फिक्स है भाई। आज हमने ये पढ़ा है और ये कंसेप्ट जो मैंने आपको दोबारा बार बार बता रही हूँ मेन पॉइंट्स हैं, प्लीज़ उनको याद कर लेना। कई बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इथरनेट कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करता है, तो इथरनेट भाई आपका बस टोपोलॉजी यूज़ करता है। एक्सेस मेथड यूज़ करता है, CSMACD। इन जनरल की बात करें वहाँ पर मैंसन नहीं है कि आपका गीगाबाइट इथरनेट है या कौन सा इथरनेट है। जनरल इथरनेट आपको मेंशन हो तो हम CSMACD यूज़ करें, लेकिन अगर 10 GB आ जाता है हम यूज़ करते हैं डुप्लेक्स। यहाँ कोई भी एक्नॉलेजमेंट मेथड नहीं है। CSMA जब मैंने पढ़ा तब भी मैंने आपको बताया था जहाँ CSMA यूज़ करते हैं हम एक्नॉलेजमेंट का यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते वो भी मैंने उसमें बताया है। इनकोडिंग आपकी मैनचेस्टर होती है, ये 3-4 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। ओके, थैंक यू।